अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज सीएसएस टू द पॉइंट एंड यू आर वाचिंग लेक्चर नंबर 2 ऑन सोशियोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है सोशलाइजेशन एंड व्हाट आर द मेथड्स ऑफ सोशलाइजेशन। सो लेट्स डाइसेक्ट दिस टॉपिक इन कंप्लीट डेप्थ। सोशलाइजेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे इंसान को पता चलता है कि सोसाइटी की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, व्हाट आर द सोसाइटल बिलीव्स, व्हाट आर द सोसाइटल वैल्यूज, सोसाइटी की एक इंडिविजुअल से क्या डिमांड्स हैं और फिर विच बिहेवियर इज़ सोशली एक्सेप्टेबल। चले अब सोशलाइजेशन की डेफिनेशन देखते हैं जॉन मैकयोनिस ने जो दी है। द लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ सोशल एक्सपीरियंसेस थ्रू विच वी डिवेलप आवर ह्यूमन पोटेंशियल एंड लर्न कल्चर। तो सोशलाइजेशन इज मेथड ऑफ लर्निंग एक्सेप्टेबल बिहेवियर फ्रॉम अदर पीपल। तो जब कोई इंडिविजुअल एक सोसाइटी का पार्ट होता है एंड ही डज समथिंग लेम जो लोग कबूल नहीं करते, तो एक तो उसका मजाक बनेगा और सोसाइटी की तरफ से वो जो बिहेवियर होगा वो एक्सेप्टेबल भी नहीं माना जाएगा, ठीक है। और इसी तरह एक बंदा भी अपनी पैदाइश के बाद से बिहेवियर लर्न करना शुरू कर देता है, किससे, अपनी फैमिली से, अपने दोस्तों से, फिर पीयर्स के अलावा वो टीचर से कर सकता है, इंस्टीट्यूशन से कर सकता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि मेथड्स कौन कौन से हैं सोशलाइजेशन के। देर आर 6 टाइप्स ऑफ या मेथड्स ऑफ सोशलाइजेशन, सो लेट्स लर्न ईच वन बाय वन। सबसे पहले है हमारे पास सिलेक्टिव एक्सपोजर। सिलेक्टिव एक्सपोजर जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि इसमें आप सिलेक्ट करते हो किसी भी इंडिविजुअल की सोशलाइजेशन को। इसको प्लान्ड सोशलाइजेशन भी कहते हैं क्योंकि आप इंडिविजुअल को सिर्फ पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस से इंट्रैक्ट करवाना चाह रहे हो और किसी भी किस्म की बुरी आदत से बचाना चाहते हो या उसको बिल्कुल रिमूव करना चाहते हो एक इंडिविजुअल से। तो ये आपके पास सिलेक्टिव एक्सपोजर। सेकेंड टाइप है आपके पास मॉडलिंग। इसको नेचुरल सोशलाइजेशन भी कहते हैं बिकॉज इसमें इंडिविजुअल खुद चूज करता है कि हु इज़ वर्दी जिसको वो इमिटेट करे, और यूजली इट्स समवन जिसको इंडिविजुअल एडमायर करता है या जो किसी भी इंडिविजुअल की इंस्पिरेशन हो। फिर है जी आपके पास थर्ड टाइप, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मॉडलिंग से एक कदम आगे है, मतलब कि जब ऐसा इंडिविजुअल जिसको सोशलाइज किया जा रहा है वो सिर्फ किसी एक्स शख्स को सिर्फ कॉपी ही ना करे बल्कि वो समझे कि मैं खुद वो एक्स शख्स हूँ जिसको वो एडमायर करता है। तो इंडिविजुअल बीइंग सोशलाइज आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ एज दैट पर्सन, ठीक है, सेम करेक्टरिस्टिक्स और सारा कुछ, ठीक है। अच्छा जी, फिर आपके पास पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। जब कोई इंडिविजुअल अच्छा काम करता है या ऐसा काम जो सोशली एक्सेप्टेबल हो तो उसको रिवार्ड दिया जाता है और उसकी तारीफ की जाती है। अब इसकी एग्जांपल ले लें कि एक बच्चा है, वो अपने पेरेंट्स को आके कोई बात सच बताएगा, ठीक है, तो पेरेंट्स उसको क्या देते हैं आगे से एज अ रिवार्ड, चॉकलेट्स, ठीक है। तो उसको फ्यूचर में भी ये बात याद रहेगी कि अगर मैं सच बोलूँगा तो मुझे चॉकलेट्स मिलेगी, मुझे रिवार्ड मिलेगा और मेरी तारीफ होगी, तो वो आगे से भी हमेशा ऐसे सच ही बोलेगा। तो इसको कहते हैं आप के किसी इंडिविजुअल को पॉजिटिवली रीइंफोर्स करना। फिर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट जो है वो इसकी ऑपोजिट होगी। अगर कोई इंडिविजुअल या कोई बच्चा झूठ बोलेगा, ठीक है, अपने पेरेंट्स से, या कोई गलत काम करेगा तो उसको उस पर मार पड़ेगी, ठीक है। तो आगे से भी वो याद रखेगा कि अगर मुझे, मैं बुरा काम करता हूँ तो इसका क्या अंजाम हुआ था, मुझे पनिशमेंट मिली थी। तो ये लोगों को सिखाता है कि कौन से बिहेवियर्स हैं जो सोशली या सोसाइटी एक्सेप्टेबल एक्सेप्ट नहीं करती, ठीक है। तो फिर है आपके पास 6 टाइप, नर्चरेंस। अच्छा जी, सिमिलर टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन रीइंफोर्समेंट्स, इसमें पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक आ सकती है, और फीडबैक भी ऐसे शख्स से आती है जिसको इंडिविजुअल एडमायर करता है, और इसी वजह से उनके रिएक्शन का इंडिविजुअल पे इम्पैक्ट भी ज़्यादा होता है,
क्योंकि अगर आप किसी को एडमायर करते हैं और अगर वह आपको पॉजिटिव या नेगेटिव रेनफोर्समेंट दे रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट आप पर ज़्यादा होगा, बिकॉज इज समबडी यू एडमायर या वो आपकी इंस्पिरेशन है। सो दीज वर द टाइप्स या मेथड्स ऑफ सोशलाइजेशन। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। इफ यू लाइक द कंटेंट सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।